रायपुर में मंत्री ओपी चौधरी ने अपने निवास पर मीडिया से तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जहां ओपी चौधरी ने विपक्ष के प्रस्ताव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साहब के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वह पिछले 5 सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा भर्ती करेंगे और यह कार्य पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किया जाएगा। प्रदेश के युवा भाई बहनों के साथ भारतीयों में माफिया राज और घोटाला स्थापित किया गया है, कांग्रेस द्वारा उससे मुक्त होकर भारतीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जो विष्णुदेव साहब नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो पिछले 5 सालों के कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्ती करेगी और जितनी भी भर्ती करेगी वो पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करेगी। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जिस तरह से भर्तियों में माफिया राज और घोटाला स्थापित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उससे मुक्ति मिलकर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। पूरे 5 सालों का परफॉर्मेंस कांग्रेस के 5 सालों से कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। ये IIM को एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए, और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे, और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के CEO रह चुके अमिताभ कांत साहब का, जिन्होंने नीति आयोग में भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा उन्होंने केरल में गॉड्स ओन कंट्री के रूप में टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम IAS रहते हुए किया था। अभी नाम आ रहा है सुब्रमण्यम जी का, जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ कैडर के IAS हैं, ये सब हम सब के लिए गर्व की बात है। विनय शास्त्र बुद्धे जी का भी शायद नाम आ रहा है, वो भी व्यक्तित्व विकास और प्रशिक्षण के लिए ख्याति लब्ध जो संस्थान है पुणे का प्रबोधिनी, उसको उसके संस्थापक और उसको आगे ले जाने वाले लोगों में से महत्वपूर्ण हैं। तो एक सभी मंत्रीगणों को एक बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का, और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब लोग